तो हे गाइस, कैसे हो आप सब। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करने वाले हैं BGMI में हैकर्स एंड चीटर्स के रिलेटेड, जिस पर सिड भाई काफी गुस्सा एंड फ्रस्ट्रेटेड थे। तो गाइस, सिड भाई ने बात की अंडरडॉग प्लेयर्स के रिलेटेड, बेसिकली कि अगर आप एक लेजिट प्लेयर हो तो व्हाई वुड यू हैव एनी प्रॉब्लम जब भी आपसे आपके POVs या फिर हैंड कैम्स मांगे जाते हैं। एंड इनफैक्ट ये चीज तो आपको एक पॉजिटिव वे में लेनी चाहिए, ना कि पूरी कम्युनिटी आपको जानेगी। एंड साथ ही में गाइस, ही वाज वेरी एंग्री वो प्लेयर्स के ऊपर जिन्होंने BMPS में चीटिंग की है एंड दूसरे लेजिट एंड T1 प्लेयर्स के गेम को खराब किया है। तो आप देखिए, अगर आप एक अंडरडॉग हो, इवेंट्स में अच्छा खेल रहे हो, बी प्रिपेयर्ड टू गेट स्क्रूटिनाइज्ड। इट इज नॉट आवर फॉल्ट, इट इज नॉट योर फॉल्ट, इट इज द फॉल्ट ऑफ दोस पीसेस ऑफ शिट हु आर यूजिंग हैक्स इन द इंडस्ट्री। इट इज देयर फॉल्ट इफ यू आर एन अंडरडॉग, इफ यू आर अ लेजिट प्लेयर। अगर आपने 15 किल मार दिए एक मैच में, उसके इमीडिएटली एक दो घंटे बाद अगर आपके पास POV रेडी नहीं है, अगर आपके पास अनएडिटेड जीरो एडिटिंग वाला फुटेज नहीं है, तो आई थिंक पीपल आर गोइंग टू से दैट यू आर अ हैकर। अगर आप मेरे को चुपचाप रीजन दोगे कि मेरा एक ही फोन, मैं एक फोन घर पे छोड़ दिया, मैं दूसरा फोन लेके गया, मेरी दोस्त की शादी थी, मेरा वाईफाई नहीं चल रहा, मेरा स्पीड कम आ रहा है, and then you expect ki people will say that nahi your legit it is not going to happen. Unfortunate scenario we are living in right now, but that is just how it is. Jo bhi hai na, jo refuse kar raha hai aapko dene ke liye POVs, handcams, unedited POVs, they are cheating. There is no other way you can, matlab jo bhi deny kar raha hai na aapko dene ke liye, kyunki if you don't have anything to hide, aap jo mangoge de doge. If you have something to hide, agar aapke paas excuses hai, iska matlab yahi hai ki aap ek bahut bade dalle ho, aap bahut legit players ki maar rahe ho, aur karma will find a way to so hard you will not know what hit you. It will find a way to in your life so hard, and this is me super frustrated with what is happening in the scene right now. I'm angry, I'm frustrated, but I cannot do anything about it. I am so angry, genuinely बता रहा हूँ, क्योंकि इतने genuine अच्छे players का आपने मुंह मारा है, उनका खराब किया है, उनका life, उनका career, even T1 players का, not just underdogs का, even T1 players का आपने उनका life, उनका career, उनका future खराब किया है। और गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट है गोल्डलैक की परफॉर्मेंस के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है जोनाथन की तरफ से। तो गाइस, कल किसी ने जोनाथन को ये लिखा कि भाई गोल्डलैक का हमको कमबैक स्ट्रॉन्गर चाहिए, जिस पर जोनाथन ने ये कहा, सॉरी भाई, कमबैक स्ट्रॉन्गर चाहिए, यस बडी, आएगा आएगा दिन, आएगा जब ट्रॉफी उठेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, बट भाई ट्रॉफी अपना मेन गोल है, सो आएगा वो दिन, आएगा कोई दिक्कत नहीं, चाहे जितने भी खड़गुड़े रास्ते आएगा, वो एक मस्त आएगा एक शॉप अपना। और गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट है टीम सोल के प्लेइंग 4 के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है सोल हेक्टर की तरफ से। तो गाइस, सोल हेक्टर ने रिएक्ट किया कि BMPS में टीम सोल की प्लेइंग 4 क्या रहने वाली है, आप देखिए। लव यू हेक्टर, लव यू टू मेरे भाई, प्लेइंग 4 में आपको फाइनल्स के लिए अब नहीं मानना ही, मैं अब तक कुछ कंफर्म नहीं है, मैं फिलहाल नहीं हूं प्लेइंग 4 में, ओके ये बताना था। और गाइस, BMPS के रिलेटेड बात कर ही रहे हैं, तो नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है हाइड्रा ऋषभ की तरफ से। तो गाइस, उन्होंने रिएक्ट किया BMPS के क्रेजी शूट के रिलेटेड, एंड साथ ही में गाइस, जो भी BMPS का वेन्यू रहने वाला है वो हमको देखने को मिला टीम एक्स पार्क मोगैम्बो के व्लॉग में, तो आप देखिए। अभी हम लोग शूट करके, बहुत ही क्रेजी शूट हुआ है गाइस, मजाक छोड़ के, आज तक ऐसा ई-स्पोर्ट्स में, किसी भी ई-स्पोर्ट्स में इंडिया के, आज तक इतना प्यारा शूट, इतना छेंट्रो कभी शूट नहीं हुआ है। आई गेस जो आपको देखने को मिलेगा, आपको बहुत मजा आने वाला है शूट के लिए। सारे ये अपना क्यूट बॉय, और अरे गोली, और बुलाया भी नहीं फोटो शूटर, गोली दे, ये क्या बोला तूने, एक नया रूप देखने को मिल गया आप लोगों को ड्रीम्स का, ओ भाई क्या। और गाइस, BMPS की बात कर ही रहे हैं, तो काशवी की एक स्टोरी आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पर उन्होंने ये लिखा, BMPS ग्रैंड फाइनल, सी यू देयर, बुक योर फ्री टिकट्स नाउ। तो लुक्स लाइक काशवी भी हमको BMPS लैंड इवेंट पर देखने को मिल सकते हैं। एंड गाइस, इसके बाद स्पिरो ने बात की, क्या BMPS में हमको कोई स्पेशल गेस्ट देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि गाइस, आपको ऑलरेडी पता ही है, BGMI का जब भी कोई ऑफिशियल टूर्नामेंट होता है तो वहां पर हमको स्पेशल गेस्ट देखने को मिलते हैं, तो आप देखिए। स्पेशल गेस्ट, आई थिंक इस बार कोई स्पेशल, बहुत ही स्पेशल बंदे आने वाले हैं, क्योंकि हर बार कोई स्पेशल लोग आते हैं, और इस बार भी हम डैम श्योर कोई स्पेशल ही लोग आएंगे, क्योंकि स्टेडियम इतना बड़ा है, वाइब इतनी अच्छी होगी, आप लोग आएंगे तो संडे को सबसे बड़ा ज्यादा मजा आएगा। वैसे गाइस, आपको क्या लगता है BMPS अहमदाबाद में हो रहा है, तो स्पेशल गेस्ट कौन हो सकते हैं, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना। तो क्या हमको हार्दिक पांड्या भी देखने को मिल सकते हैं, लेट्स सी। और गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है YouTube 2023 स्टैट्स के रिलेटेड। तो गाइस, फाइनली हम 2023 के लास्ट फेज में, एंड YouTube ने रिलीज की टॉप 15 ट्रेंडिंग वीडियोस, जिस पर नंबर 8 पर है एक गेमिंग वीडियो टेक्नो गेमर्स की तरफ से, आई स्टोल सुपरा फ्रॉम माफिया हाउस। एंड साथ में गाइस, टॉप 15 गेमिंग वीडियोस भी आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। ऑब्वियसली इसमें भी नंबर 1 पर है टेक्नो गेमर्स विद सेम वीडियो, एंड बाकी लिस्ट भी गाइस आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। नंबर 2 पर है मिथ पैड, देन लाइव इंसान, एंड नेक्स्ट पेज में हमको देखने को मिलते हैं कैरी मिनाटी विद माय न्यू स्कूल वीडियो। बाय द वे गाइस, चलो मैं आपसे पूछता हूं, आपके अकॉर्डिंग BGMI की टॉप 5 वीडियोस 2023 की कौन सी है, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताना, एंड जो भी सबसे बेस्ट कमेंट होगा उसको नेक्स्ट वीडियो में फीचर करेंगे। एनीवेज गाइस, नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है
बीजेएमआई में चीटर्स के रेडिट, जिस पर दलजीत की स्टोरी आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हो। बेसिकली गाइस ये चीज पर वो काफी फ्रस्ट्रेटेड दिखे, जहाँ पर उन्होंने ये लिखा, बैटल ग्राउंड हैकर सीरीज एलिमिनेटेड इन सेमीज, बैटल ग्राउंड मोबाइल प्रो हैकर सीरीज एलिमिनेटेड इन सेमीज, कब आएगा मेरा कमबैक, रुको टेलीग्राम डाउनलोड करता हूँ। एंड फिर ये चीज पर थोड़ा ट्रोल करते हुए उन्होंने कुछ एप्स को हाइड कर दिया। इस पर ये लिखा, क्राफ्टन से मेल आएगा तब फेस रिवील करूंगा प्राइवेसी का। एंड गाइस फिर आईफ्लिक ने इस पर ये कहा, अगर ये सब कुछ ऐसे चलने वाला जहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है, नो रिवर्ट नो फीडबैक ऑन मैटर, अगर ये इतना ही आसान रहने वाला है एंड उनको फर्क नहीं पड़ता है, तो फिर एक गुड अंडरडॉग प्लेयर को ढूंढने के बजाय मैं भी एक हैकर एंड चीटर को ढूंढ लेता हूँ, जो कि ये एप्स को अच्छी तरीके से हाइड कर ले। नेक्स्ट ऑफिशियल टीम 2-2 आईफ्लिक विल बी इन फाइनल्स, पीओवी चाहिए दे दूंगा, हैंड कैम चाहिए दे दूंगा, बस बैटरी परसेंटेज मत पूछना, प्राइवेसी प्लीज। बेसिकली गाइस ये सब हमको फ्रस्ट्रेटेड रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं। एंड गाइस फिर निंजा की स्टोरी भी आप देख सकते हो, जो कि बेसिकली उन्होंने अंडरडॉग्स के लिए लिखा, अगर ये चीज अभी रुकी नहीं तो फ्यूचर में हर टूर्नामेंट में हैकर्स आएंगे एंड जो प्लेयर्स अभी खेल रहे हैं उनका भी मन उतर जाएगा गेम से। बीजेएमआई टूर्नामेंट्स की बात कर ही रहे हैं तो गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है स्पीरो की तरफ से, तो उन्होंने रिएक्ट किया कि बीएमपीएस के बाद हमको बीजेएमआई के कौन से टूर्नामेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। आप देखिए, नथिंग इज हैपनिंग दिस ईयर, बीएमपीएस के बाद एपीएल का एक टूर्नी है और टीडब्ल्यूओबी का एक टूर्नी है जो इसी साल होगा, उसके बाद अगले साल ESPL सुनने में आ रहा है मेरे ख्याल से, वो हो सकता है, स्काई की लीग होने वाली है, स्नैपड्रैगन 1 करोड़ का प्राइस पूल है, नॉर्डविन का ESL वो भी बहुत बड़ा टूर्नामेंट है। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट है टीम सोल के रिलेटेड, जो कि निकल कर आती है सिड भाई की तरफ से। तो गाइस कल की वीडियो में जो मैंने आपको टीम सोल की न्यू जर्सी दिखाई थी, जहां पर उन्होंने कोलैबोरेट किया है आईकू के साथ में, वो जर्सी पर हमको 3 स्टार्स देखने को मिले थे, जिसको एक्सप्लेन करते हुए सिड भाई ने ये कहा, द ब्रांड जो यहाँ पे छपा है, व्हाट मैटर्स इज द 3 स्टार्स, हु नोज व्हाट द 3 स्टार्स आर, हु नोज व्हाट द 3 स्टार्स मीन, व्हाट डज इट मीन, आई थिंक पीपल शुड नो व्हाट द 3 स्टार्स आर फॉर, आई थिंक यू शुड नो व्हाट इट स्टैंड फॉर, इट स्टैंड फॉर 3 ऑफिशियल ट्रॉफीज व्हिच सोल हैज, होपफुली एंड वी होप फॉर द बेस्ट, टच वुड, वी होप दैट इन द नेक्स्ट क्या डेट है 13th, नेक्स्ट 5 दिन में आई होप कि वो जर्सी हम लोग को चेंज करनी पड़े और रीप्रिंटिंग के लिए डालनी पड़े। और गाइस नेक्स्ट एक अपडेट निकल कर आती है जॉनाथन की तरफ से। तो गाइस प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको काफी बार बताया, जहां पर जॉनाथन के साथ में एक नेट ग्लिच हो जाता है एंड ये चीज लिटरली गाइस कल उनके लाइव स्ट्रीम पर भी हो गई थी, आप देखिए। बारिश रुकी है और बारिश के बाद देखो एक तो कितने सारे भाई पक्षी आ गए, देखो बर्ड्स उड़ रही हैं, और जो सामने माउंटेन्स है ना उनके बीच में बादल आ गए और माउंटेन्स के पास जो घर है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहे हैं भाई, मस्त लग रहा है बिल्कुल।